गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज का दिन सुबह सुबह बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आज मेरा शेड्यूल थोड़ा पटरी पे आ गया है और काफ़ी दिनों से जो बिगड़ा हुआ था वो अब ठीक हो रहा है। और सुबह उठ गई 5:30 बजे, तकरीबन 5:30 या 6:45, आई डोंट नो, ऐसे गुस्सा 5:45 था, मतलब जग गई थी बिस्तर से 5:45 के आसपास उठी और फिर रनिंग करी आज सुबह पहली बहुत दिनों बाद, और एक्सरसाइज भी कर ली। और देखिए सूरज निकल रहा है, चेहरे पे धूप आ रही है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। रुकिए आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सुबह सुबह डॉगी के छोटे छोटे बच्चे आते ही ना आसपास मंडराने लगते हैं, इस डॉगी के बच्चे हैं ये। और ये आपको सुबह सुबह ना, मतलब दिल्ली में ये देखने को ही नहीं मिलता। आप पार्क में चले जाइए, कहीं चले जाइए, मतलब इतनी खूबसूरत सा सूदिंग सा एनवायरनमेंट ना यहीं मिलता है यहाँ। या फिर आप गांव हो, अगर जिसका भी जो गांव है, आपको अपने अपने गांव की याद आ जाएगी। मतलब धूप का रिफ्लेक्शन देखिए कितना खूबसूरत लगता है, मतलब आई लव इट, बहुत सुंदर लगता है। हम अपनी बात कर रहे थे, तो आज का दिन कुल मिलाकर बड़ा बढ़िया रहा और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। दिन में देखते हैं क्या क्या काम होता है और क्या क्या कर पाती हूँ, जितना होगा और जो जो होगा वो तो हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। कैसा लग रहा है वीडियोस ज़रूर बताइएगा, और मज़ा आ रहा है, कोई चेंजेस करने हैं, कुछ सजेशन देना हो तो बिल्कुल कमेंट में आप बताइए। और चल रहा है बस सब कुछ यही, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद ना पसीना स्वेटिंग वेटिंग हो जाती है, तो मैं सोचा चलो फिर से थोड़ा हवा में आते हैं और सांस लेते हैं, क्योंकि रनिंग मैंने भारी करी थी और एक्सरसाइज मैंने फिर घर जाके किया, तो अभी तो यही सब है। खैर मॉर्निंग गुड गुड हो गई है, चलिए फिर मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी जगह पर बैठी हुई हूँ। एक्चुअली आपको दिखाती हूँ मैं, ये पानी की टंकी है पूरी, तो पता नहीं दिखेगी भी या नहीं दिखेगी मालूम नहीं। बड़ा अच्छा अच्छा सा मौसम है और धूप खिली हुई है, छाँव में हम बैठे हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ जंगल झाड़ में क्यों बैठी हुई हूँ, तो एक्चुअली कुछ शूट करने आई थी, कुछ वीडियोज़ बना रही थी। अपने चैनल पर मैं शॉर्ट वीडियोस में कोटेशन डालना शुरू कर रही हूँ, तो कुछ कोटेशंस लेकर आई थी और सोचा कि अच्छे वेदर में अच्छी बातें करने से थोड़ी एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, तो वही शूट कर रही थी। शूट हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो सोचा कि चलिए आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और मज़ा आया यार, मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। और अच्छा, जब शहर से आप आते हो ना तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पेशल लगती हैं, मतलब जो लोग यहाँ डेली रहते होंगे शायद उन्हें इतना स्पेशल नहीं लगता होगा। और मुझे, मतलब मेरा स्वभाव है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है नेचर के करीब रहना, पेड़ पौधों के बीच में रहना, बशर्ते कि घर में कमरे में एसी में बंद रहने से बहुत अच्छा लगता है कि आप खुले में हो, ताज़ी हवा हो, पेड़ पौधे हो, चिड़ियों की आवाज़ आ रही हो, तो ये बेस्ट मोमेंट होता है मेरे लिए। तो ठीक है, आराम से बैठे हैं, कुछ लोगों को अजीब लग सकता है जंगल झाड़ में क्यों बैठी है, पर मुझे मज़ा आता है। मैं आई लव इट, मतलब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। देखिए पेड़ की छांव, एकदम घन घोर छाया चारों तरफ, और गांव का बगीचा याद आ जाता है, मतलब आम के बगीचे में बचपन में हम जाया करते थे और बड़ा आम वाम लेकर आते थे, सारा दिन दोपहर में वहीं बैठे रहते थे। अच्छा, आम के बगीचे में ना लू नहीं लगती, तो गर्मियों के टाइम में भी ना ठंडा ठंडा रहता है, आवारा टोल की तरह घूमते रहते हैं। समय था, टाइम थी, चीजें निकल गई, अभी तो यहाँ बैठना भी थोड़ा ऑकवर्ड ही लगता है, लेकिन मजा आता है। कभी कभी मजे के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो यही है। घर चलते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि दोपहर हो गया, तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा है, तो कुछ खाना वाना खाएंगे, लंच करेंगे और फिर शाम का टाइम टेबल जो होगा उस आपसे मिलाएंगे, बातें करेंगे। खैर चलिए, शाम की चाय बन रही है और बस चाय की तैयारी है। मम्मी चीनी खत्म हो गया है,
चीनी खत्म हो गया डब्बे में। माँ चीनी डब्बे में खत्म, चाय पत्ती डालेंगे तो खत्म है। अरे चीनी खत्म है डब्बे में, चीनी खत्म है माँ। शाम को बाबू बाजार जाएगा ना, शुभम तो मार्केट जाएगा, तो हम तो यही कैंपस में घूमेंगे और कैंपस की यात्रा कराएंगे आपको। ये हमारी शाम की चाय, बिस्किट्स और ये इज्जत संभालता मेरा भाई अपनी, इधर मम्मी इज्जत संभालती हुई मेरी है। मम्मी शाम की चाय के साथ ये ऐसे करेंगे तो इधर से ही एक बार में दो ही लोग आएंगे, ऐसे एंगल में बैठ जाते हैं लोग, वही हमारे एंगल ही यही है। थोड़ा बच्चों चाय पीने, बच्चों सब आओ चाय पीने, मेरी माँ का इनविटेशन है। और चाय भाई पी के फिर हम लोग 6 बजे से घूमने जाएंगे। खाना मैंने खा लिया है और खाना एक रोटी खाई थी तकरीबन 6:30 के आसपास, तो घर पे मम्मी शाम को कुछ ना कुछ खिलाई दे रही है क्योंकि रात का डिनर नहीं करती ना, तो शाम को 6:30 के आसपास कुछ खा लेती हूँ। अभी दूध पी रही हूँ और सुबह रनिंग की थी तो उसकी वजह से पैर में दर्द है और थोड़ा सा सीटअप्स वीटअप्स करने की कोशिश करी तो कंधा भी दुख रहा है, तो इसलिए आज दौड़ शाम को गई थी वॉक पे, पर अभी नाइट में मेरा मन नहीं किया जाने का, नींद भी बहुत आ रही है। 9 बजे ही मुझे नींद आ रही है, मुझे 8 बजे से नींद आ रही है, अब तो 9 बज गए। तो मम्मी तब से कह रही थी कि 8 बजे से सोएगी तो कब तक सोएगी, तो इसीलिए मैंने कहा चलो 9 बजा देते हैं, अब दूध पीऊंगी और नींद इतनी तेज आ रही है कि सो ही जाऊंगी। हाँ तो यही था आज का दिन मेरा और खास तो कुछ यही, कुल मिला के दिन अच्छा था और फिर से कोशिश करूंगी कि कल भी रनिंग करूं, हिम्मत दे शरीर शरीर ज़्यादा दर्द ना करे। और मम्मी और शुभम तो गए हुए हैं वॉक करने, आज मैं नहीं गई, तो चलिए मैं अपना दूध एंजॉय करती हूँ और शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल मिलते हैं।